गाइज एक्चुअली इमोशनल नमनेस और डिसोसिएशन पर ना मुझसे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं. एक्चुअली लोग कहते हैं मैम आई एम फीलिंग फ्लैट फ्रॉम इनसाइड, आई एम फीलिंग लाइक देयर इज नथिंग गोइंग ऑन. इट सीम्स लाइक कि एक अंदर है ना वॉइड क्रिएट हो चुका है. बट गाइज इस नमनेस और डिसोसिएशन पे ना मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा. एक्चुअली कुछ तो हो रहा है जो कि हमें फील नहीं हो रहा है. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस. मेरा नाम है सुमन. अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने के प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ. गाइस आज का टॉपिक है इस नमनेस और इस वॉइड को लेकर. एक्चुअली गाइस क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस हैं. ये इमोशन फर्स्ट ऑफ ऑल आए कहाँ से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत पेनफुल थे ना, बहुत ज़्यादा हर्टफुल थे, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा लगा था. उस टाइम हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी कि हम उन इमोशंस को प्रोसेस कर सकें, उस सिचुएशन में ना कोप कर सकें. तो हमारी साइकी बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसने सोचा कि ये बच्ची ना अभी छोटी है, इसकी कैपेसिटी छोटी है, इसकी कोपिंग कैपेबिलिटी छोटी है, कम है, तो हमें बचाने के लिए ना हमारे नर्वस सिस्टम ने एक मैकेनिज्म यूज़ किया कि चलो इन इमोशंस को, ये जो ओवरवेलमिंग इमोशन आ रहे हैं, किसी ने इसको हर्ट कर दिया है, किसी ने इसके साथ बुरा कर दिया है, तो इन सभी इमोशंस को ना दबा देते हैं ताकि एक बार के लिए ना ये ओवरवेलम ना हो, ये एक बार के लिए ना एकदम से क्रैश ना हो जाए. और हमें जिंदा रखने के लिए एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम ने ऐसा किया था. ये इमोशंस टाइम के साथ बहुत सारे हमारे अंदर इकट्ठा होते गए. एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें हर्टफुल लगती है, हम उनको एज अ थ्रेट परसीव करते हैं, एज अ प्रॉब्लम परसीव करते हैं ना, उसी टाइम वो इमोशन हमारे अंदर स्टक हो जाते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ को एक इंसान बहुत सेफ और बहुत अच्छा महसूस करे, लेकिन हो सकता है दूसरा इंसान उसी चीज़ को एज अ डेंजर परसीव कर सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन. तो गाइज ये जो इमोशंस थे ना जो कि सप्रेस हो गए हैं, इनको कभी हमने फील नहीं किया, हमारी बॉडी ने, हमारे नर्वस सिस्टम ने इनको रिलीज नहीं किया, दे आर स्टिल ट्रैप्ड. तो एक्चुअली इमोशंस जो हैं इनको ना सप्रेस किया जा रहा है, इन इमोशंस को कंटिन्यूसली ना दबाया जा रहा है. इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. और इस नमनेस को क्रिएट करने के लिए ना बहुत सारी एनर्जी का फ्लश इसके अंदर जा रहा है, बहुत सारी कॉन्स्टेंट एनर्जी इसको सप्रेस करने में लग रही है, और इसी सप्रेशन की वजह से हमें नम फील होता है. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके ना पैर में चोट लग गई, आपके पैर में वूंड क्रिएट हो गया, आप डॉक्टर के पास गए और आप चिल्ला रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और आप चिल्ला रहे हैं. तो डॉक्टर ने ना क्या किया, एक एनेस्थीशिया आपको दे दिया. एनेस्थीशिया देने के बाद वो जो वूंड है आपके पाँव में वो नम हो गया, उसका पेन आप फील नहीं कर पा रहे हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे साथ है, हमारे अंदर का वूंड स्टिल हमारे अंदर है, बट हमारे नर्वस सिस्टम ने ना उस पेन को सप्रेस कर रखा है. गाइज अगर एनेस्थीशिया का जो असर है थोड़ी देर बाद खत्म होता है या कम होता है तो क्या होता है, हम वापस से वो पेन फील कर सकते हैं ना. तो एक्चुअली ये जो बाहर से दिया हुआ केमिकल था ना वो इस पेन को ना कम कर रहा था, उसको हमसे डिस्कनेक्ट कर रहा था, और जिसकी वजह से ना हम उस एरिया में नम फील कर रहे थे, पेनलेस फील कर रहे थे. सेम एग्जैक्टली हमारे साथ हो रहा है, ये जो वूंड है हमारे अंदर, ये जो पेन है पास्ट ट्रॉमा का जिसको हमने अभी तक फील नहीं किया ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, क्योंकि हमारी साइकी सोच रही है शायद ये अभी तक इतनी केपेबल नहीं है कि ये इनको प्रोसेस कर सके, हमारी साइकी को हमारे ऊपर फेथ नहीं है कि इसके पास कोई स्किल है जिससे कि वो अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सकेगी. हमारे साइकी को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने इसको ये पेन दिया फील करने के लिए तो हो सकता है इसका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाए एंड ये क्रैश हो जाए या फिर इसके साथ कुछ भी हो जाए. तो जो कुछ भी हो रहा है ना हमें एक्चुअली इस लाइफ में ना जिंदा रखने के लिए हो रहा है. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम ये डिसोसिएशन, ये नमनेस कर रहा है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है हमारे वूंड्स को दबाने के लिए. एक्चुअली बहुत सारा एनर्जी का फ्लश अंदर जा रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है,
लेकिन बहुत कुछ हो रहा है हमारे अंदर। ये जो पेन जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है ना, ये हमारा नर्वस सिस्टम उसको और ज्यादा रिप्रेस कर देता है, इसको सप्रेस कर देता है ताकि ये बाहर ना आए। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन वॉइड के जैसी लगती है, फ्लैटनेस के जैसी लगती है, बट ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बट हम इसको समझ नहीं पा रहे, इसको पता नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्ले होता जा रहा है। इट्स लाइक जैसे हार्ट हमारा पंप कर रहा है ना, बट हम फील नहीं कर सकते कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी अपना काम अपने आप कर रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा नर्वस सिस्टम हमारे साथ कर रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस, हम इसको फील नहीं कर पा रहे, लेकिन नर्वस सिस्टम इसको ऑटोमेटिक बेसिस पे करता ही जा रहा है, और हम हमारी लाइफ में फ्लैट और इमोशनलेस फील करते ही जा रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा भी इमोशन फील करने के लिए ना बहुत इंटेंस चीज़ें करने लग जाते हैं, लाइक बहुत मतलब रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा भी कुछ फील हो जाए, भले ही वो पेन क्यों ना फील हो जाए, भले ही कुछ बुरा इमोशन क्यों ना फील हो जाए, लेकिन वो उस छोटी सी एक इमोशनल फीलिंग के लिए ना इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, या फिर वो बहुत डीप प्लेजर में एडिक्शन में चले जाते हैं कि यार किसी तरीके से तो मुझे कुछ तो फील हो, एटलीस्ट फ्लैटनेस नहीं बट कुछ तो फील हो, चाहे कैसा भी फील हो, एक दो सेकंड का फील हो, कुछ तो हमें फील होना चाहिए। बट कुछ लोग इसे कैसे जज करते हैं, जो लोग नम होते हैं उनको जज करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में चली गई है, ये इसकी तो लाइफस्टाइल ही ख़राब है, ये लड़की तो ऐसी ही है, मतलब उसको अलग अलग तरीके से ब्लेम और क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। बट एक्चुअली जो नम है ना, वही जानता है उसकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं मैम अगर मैं 2 सेकंड का भी कुछ फील कर लेती हूँ ना, मेरा पूरा दिन बन जाता है, क्योंकि पूरे दिन में मैं 2 सेकंड भी कुछ भी नहीं फील कर पा रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या चाहिए? चलो अब तक हमने एक प्रॉब्लम पर बात कर ली, अब बात करते हैं सोल्यूशन पे, हमें करना क्या चाहिए। पहली चीज, वी शुड बी अवेयर कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहली चीज कि ये नथिंगनेस नहीं है, कुछ तो ऐसा हो रहा है हमारे अंदर जो कि इस पेन को रिप्रेस कर रहा है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को ना रिप्रेस कर रहा है। इसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी, हमें हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा, खुद की फिजियोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा, और ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये प्रोसेस है क्या और ये क्यों हो रही है। सेकेंड चीज़ की जबरदस्ती आपको फील नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती फील करने की कोशिश करेंगे ना तो क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम तो ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है, ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि ओवरवेल्मिंग थे, तभी तो हमारे नर्वस सिस्टम ने इसको रिप्रेस किया ना। तो हमारे नर्वस सिस्टम के पास बहुत कुछ है होल्ड करने के लिए, लेकिन अगर हम जबरदस्ती फील करने की कोशिश करेंगे ना तो हम एक्चुअली कुछ गलत कर रहे हैं हमारे साथ, तब जाके हो सकता है आप क्रैश हो जाएं। तो जबरदस्ती हमें फील करने की कोशिश नहीं करनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी थैंकफुल टू आवर नर्वस सिस्टम कि वो हमें अब तक जिंदा रख रखा है। थर्ड थिंग इज कि हमें अपने नर्वस सिस्टम को बताना है कि हम बड़े हो चुके हैं, हमारी कैपेसिटी बड़ी हो चुकी है। हमारा नर्वस सिस्टम सोचता है कि अगर हमने इसको इमोशन दिया ना तो ये ओवरवेल्म हो जाएगी, क्योंकि इसको नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं करना आता कि वो इस इमोशन को फील कैसे करेगी जब इसके पास कोई स्किल ही नहीं है। तो वो स्किल हमें लर्न करनी है, वो टेक्निक्स हमें लर्न करनी है, हमें खुद को फील कराना है दैट एवरीथिंग इज सेफ। हमारा नर्वस सिस्टम सोच रहा है अगर मैंने ये इमोशन इसको दिया तो ये प्रोसेस नहीं कर पाएगी, शी इज़ नॉट एट ऑल सेफ। हमें हमारे नर्वस सिस्टम को बताना है दैट एवरीथिंग इज सेफ, मैं कोई रश में नहीं हूँ, ऑटो पायलट सिस्टम पे नहीं चल रही हूँ, या फिर कोई रैट रेस में नहीं हूँ एवरी सिंगल डे की लाइफ में जो अपने लिए टाइम ना निकाल रहा हूँ। तो नर्वस सिस्टम को ये बताने के लिए दैट वी आर सेफ, पहली चीज़ है हमें कंसिस्टेंटली खुद के ऊपर वर्क करना है, अपना इनर वर्क करना है, खुद के लिए टाइम निकालना है। एंड लास्ट थिंग इज कि हमें करना है बॉडी वर्क, क्योंकि माइंड
और बॉडी का जब डिसकनेक्शन हो जाता है ना, तब हमें नमनेस फील होती है, क्योंकि जो माइंड है वो ये नहीं फील कर पा रहा है कि बॉडी के अंदर ये जो इमोशंस हैं वो किस टाइप का फील करते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी हमारे माइंड से डिसकनेक्टेड है क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं इमोशंस, तो इन इमोशंस को क्योंकि बार बार दबाया जा रहा है तो बॉडी खुद नम हो चुकी है। इसलिए बहुत जरूरी है हमें हमारी बॉडी को फील कराना दैट एवरीथिंग इज सेफ। जैसे ही हम बॉडी को फील कराएंगे दैट एवरीथिंग इज सेफ, वो सिग्नल ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में चला जाएगा और हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा दैट एवरीथिंग इज सेफ, शी इज नाउ स्किलफुल, इसके पास टेक्निक्स है जो अपने आप को सूथ कर लेगी। तो इसके लिए आपको बॉडी वर्क टेक्निक वाला वीडियो देखना चाहिए और एक और वीडियो है कि हाउ टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम, वो दो वीडियो से ना आपको काफी हेल्प मिलेगी जिससे आप अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आपका नर्वस सिस्टम काम फील करेगा उतना ज्यादा वो सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजेगा कि अब सब कुछ एकदम सही है, और तब हमारा नर्वस सिस्टम है ना हमें रेगुलेट करना शुरू कर देगा अपने आप, और तब जाकर हमारी बॉडी इन इमोशंस को प्रोसेस करना शुरू कर लेगी। बट हम क्या सोचते हैं कि हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, हमें खुद प्रोसेस करना पड़ेगा इमोशन को। एक्चुअली हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी में विजडम है, अगर उसे इमोशंस दिए जाएं तो उसे प्रोसेस कर पाए, लेकिन उसको हमने जो नहीं दिया है वो है सेफ एनवायरनमेंट, सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी से रिलेटेड और बहुत कुछ लर्न करना चाहते हैं, अगर आप लर्न करना चाहते हैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन ऑन योर नर्वस सिस्टम, और आप खुद को रेगुलेट करना चाहते हैं, खुद के नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना चाहते हैं, कैसा भी एनवायरनमेंट हो अपने अंदर एक सेफ्टी क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं एक लेकर आई हूँ अपना सेफ्टी एक्सेलरेटर टूलकिट कोर्स। बहुत ही जो है सिंप्लीफाइड ये कोर्स है एंड इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लस ई बुक है, वर्कबुक है, बहुत सारी फुल ऑफ टेक्निक्स हैं इसमें, बहुत सारे नॉलेज है इसमें, और जिसकी मदद से ना आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी ले पाएंगे और कंप्लीटली खुद के ऊपर वर्क कर पाएंगे। इट्स अ स्किल, जो टेक्निक्स हम लर्न करते हैं उसको एवरी सिंगल डे अपनी लाइफ में यूज़ करना इज अ स्किल। हमें ये स्किल को टाइम के साथ डेवलप करना है, एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से इज कि हमें बहुत सारा पेशेंस रखना है हमारे साथ। पेशेंस जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारी हीलिंग में, क्योंकि हम रैशनल हैं, हमारा ब्रेन रैशनली वर्क करता है, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट एवरीथिंग इज सेफ ना, कहाँ प्रॉब्लम है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि काम डाउन काम डाउन काम डाउन, लेकिन हमारा माइंड उस तरीके से वर्क नहीं करता जैसे हमारी बॉडी किसी चीज़ को परसीव करती है। हमारी बॉडी हमारा नर्वस सिस्टम रैशनल नहीं है, वो रैशनल वे में किसी चीज़ को परसीव नहीं करता है। इट टेक्स टाइम, जैसे जैसे हमारा नर्वस सिस्टम एनवायरनमेंट में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना शुरू करेगा, कनेक्शन में आना शुरू करेगा ना, वैसे वैसे वो समझेगा यस एवरीथिंग इज सेफ, तब जाकर हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।